अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर नाइन्टी एट फॉर क्लास इंटर पार्ट वन जिसमें हम लोग यूनिट नंबर फोर लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अब प्रीवियस कुछ लेक्चर से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे और उसके अलावा मॉर्फस सॉलिड्स थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं और इसकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं बिकॉज बाई स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ वी विल नो मोर एंड मोर अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम उनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हैं सॉलिड्स क्रिस्टल एंड सॉलिड्स के बारे में तो अपने प्रीवियस दो लेक्चर में मैंने आपको बताया

थ्रू आउट द सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो एटम्स हैं मोलिक्यूल्स हैं आयन्स हैं उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है जिस तरह के अमॉर्फस सॉलिड में हमने देखा था कि प्रॉपर्ली उनके अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है किसी भी पैटर्न को uh, पार्टिकल्स फॉलो नहीं करते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉलो नहीं करते किसी ख़ास पैटर्न को ख़ुद को अरेंज करने में दोज वर अमॉर्फस सॉलिड्स उसके अलावा हमने अमॉर्फस सॉलिड्स में बात की थी क्रिस्टलाइट्स की यानी कि अमॉर्फस सॉलिड का वो हिस्सा जो किसी एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करे और बाकी का हिस्सा फॉलो ना करे तो वो स्पेसिफिक पार्ट जो कि किसी पैटर्न को फॉलो करता है दैट इज़ कॉल्ड एस अ क्रिस्टलाइट बट दैट वॉज ओनली अ पार्ट ऑफ द मोरफस सॉलिड वो ओवरऑल थ्रू आउट द मार्फस सॉलिड में पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता नाउ विन वी टॉक अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं एटम्स आय्स मोलिक्यूल्स इन्होंने अपने आप को ख़ास तरीके से किसी ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज किया हुआ है एंड दैट अरेंजमेंट एग्जिस्ट थ्रू आउट द सलिड जितना भी सॉलिड आपके पास है जितना भी क्रिस्टल है उसमें सब अरेंजमेंट फिक्स है यानी कि एक पैटर्न फिक्स है जिसके हिसाब से पार्टिकल्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है तो उस पैटर्न के हिसाब से देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ फेसेस देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ एंगल्स एंड एजेस जब पार्टिक क्रिस्टल्स को अगर हम 360 डिग्री के व्यू से देखते हैं यानी कि आप 360 डिग्री आप जिस तरह मर्जी किसी क्रिस्टल आ, को क्रिस्टलाइन सॉलिड को टर्न करके देख लें आपको उसके अंदर थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड सॉलिड सेम अरेंजमेंट मिलेगी चाहे वो एंगल्स की अरेंजमेंट है चाहे वो एजेस की है चाहे वो फेसिस की है दैट इज़ कॉल्ड एस ए यानी कि सिमेट्री है पूरे क्रिस्टल एंड सॉलिड में चाहे आप उसको 360 सिक्सटी डिग्री के एंगल में कहीं किसी भी एंगल से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे आपको उनमें पार्टिकल्स आप की अरेंजमेंट सेम दिखाई देती है क्रिस्टल्स के लिए दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है जिसमें रेपिटिशन है फेसिस की एंगल्स की और एजेस की और उस हिसाब से देर आर वेरियस सिमेट्री दैट आर फाउंड इन द एलिमेंट्स क्रिस्टल uh, के अंदर सिमेट्री एक उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उस हिसाब से डिफरेंट चीज़ों में सिमेट्री दिखती है जैसे कि प्लेन की सिमेट्री हो गई एक्सेस ऑफ सिमेट्री वगैरह हो गए सेंटर ऑफ सिमेट्री हैं तो इस हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बात होगी सिमेट्री की उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई हो एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर देती हूँ सिमेट्री क्या है कि जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को लें और उसको 360 डिग्री के एंगल में कहीं पे भी आप उसको ऑब्जर्व करें किसी भी पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसके अंदर सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई देगा दैट इज़ कॉल्ड एस सिमेट्री यानी देर इज़ आर रेपिटेशन ऑफ़ फेसिस देर इज़ आर रेपिटेशन ऑफ एजेस देर इज़ आर रेपिटेशन ऑफ़ एंगल्स और ये क्रिस्टल्स के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्री की नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर स्टार्टिंग अबाउट इज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल अब हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल क्या होता है यानी कि जब आप क्रिस्टल्स को ग्रो करते हैं ग्रो करने का मतलब है जब आप क्रिस्टल्स को बनाते हैं जब क्रिस्टल्स किसी भी प्रोसेस से बनते हैं तो उस वक्त वो किस हिसाब से ग्रो होते हैं क्या सी वो शेप अपनाएंगे कितने टाइम में वो ग्रो करते हैं कितने टाइम में क्रिस्टल्स बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज दी हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल तो हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल एंड सॉलिड क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह के वो शेप अपनाएंगे जितना वो टाइम पीरियड लेंगे ये सब किसी एक खास क्रिस्टल सॉलिड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि उस सॉलिड को डिफाइन करेगी क्रिस्टल्स जो हैं यूजुअली हम किस तरह से ऑप्टेन करते हैं आम हालात में क्या है कि यू फर्स्ट मेक अ सैचुरेट सॉल्यूशन आपको जिस चीज़ के क्रिस्टल चाहिए आप उसका सैचूरेट सॉल्यूशन बनाते हैं सैचूरेट सॉल्यूशन के बाद आप या इवेपोरेशन कर दें या उसको कूलिंग शुरू कर दें तो आ, उससे क्या होता है जब एवेप्रेसन होती है या कूलिंग प्रोसेस शुरू होता है आप हीटअप किया हुआ है आपने सेचूरेटेड सोल्यूशन को तो उससे में एवेपरेशन ज़्यादा होती है इवेपोरेशन से जो बाकी के पार्टिकल्स हैं जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो फेड आउट हो जाती हैं पीछे रह गए क्रिस्टल्स क्रिस्टल जैसे जैसे वो पूरा सब्सटांस वो पूरा मिक्सचर ठंडा होता जाएगा कूल डाउन होता जाएगा तो क्रिस्टल्स उसके अंदर से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे कूलिंग के प्रोसेस में क्रिस्टल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स सॉल्ट इन वाटर और उसकी एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना देते हैं हम जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यू मिक्सड इन साइड द वाटर और जब आप उसको हीटअप करेंगे तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और पीछे जब आप इसको दोबारा कूल डाउन करेंगे वाटर की इवेपोरेशन होती जाएगी और साथ साथ सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे हम उनको दोबारा से ऑप्टेन कर सकते हैं तो उस सेपरेशन के दौरान जो वाटर से सॉल्ट के क्रिस्टल सेपरेट हो रहे हैं वो कूलिंग प्रोसेस है यहाँ पर टम्परेचर आहिस्ता आहस्ता कूल करने की वजह से सॉल्ट जो है वाटर से अलहदा हो रहा है सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पर आपने मेन पॉइंट क्या देखा फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर बनाते हैं सैचूरेट सोल्यूशन को और सेकेंडली हम यहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि कूल cool डाउन करना है हमने पूरे सॉल्यूशन को उसके बाद वहाँ से क्रिस्टल्स जो हैं दे विल ग्रो आउट और ये जो क्रिस्टल्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय ग्रोइंग इन वेरियस डायरेक्शंस ये डिफरेंट डायरेक्शंस में बन सकते हैं इनकी डिफरेंट सिमेट्रीज इनकी सेम रहेंगी लेकिन इनके अंदर अनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं इसके अलावा कि जिस सूरत हाल में आप अपने क्रिस्टल्स को ग्रो करेंगे वो भी अफेक्ट करती है क्रिस्टल्स की ग्रोथ के ऊपर उनकी हैबिट के ऊपर अगर आप थ्रू आउट द प्रोसेस सेम उनको कंडीशंस देंगे सेम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर क्रिस्टल्स ने ग्रो होना है तो थ्रू आउट द प्रोसेस जितने भी क्रिस्टल्स बनेंगे वो सब की शेप जो है वो हमेशा सेम रहेगी अलबत्त अगर आप क्रिस्टल्स की कंडीशन क्रिस्टल को जब आप बना रहे हैं उनको ग्रो कर रहे हैं उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं उस वक्त अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर की वेरिएशन ले आऊँ पहली दफ़ा मैंने क्रिस्टल्स बनाए तो मैं जल्दी कूलिंग इफेक्ट उनको रैपिडली कूल डाउन किया दूसरी दफ़ा मैंने उनको क्रिस्टल्स uh, को ग्रो किया तो मैंने उस वक्त उनको स्लोली कूल डाउन किया तो जब मैंने ये वेरिएशन लेके आई तो उसकी वजह से क्रिस्टल्स की हैबिट भी चेंज हो जाती है क्रिस्टल्स की शेप चेंज हो जाती है बिकॉज उनको मेंटेन करने के लिए जो कंडीशंस थी वो चेंज हो चुकी थी अगर आप सेम कंडीशन रहेंगे रखेंगे तो क्रिस्टल्स की शेप जो है क्रिस्टल की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी थ्रू आउट द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड और अगर आप प्रॉपर उसकी कंडीशंस को चेंज कर दें जिसमें आप क्रिस्टल्स को मैनेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी शेप वगैरह पे भी असर पड़ता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड को दैट इज़ सॉल्ट अगर हम उसके क्रिस्टल्स uh, को Uh, उसके आम तौर पर जो क्रिस्टल्स हैं आर दैट आर क्यूबिक इन शेप यानी क्यूब की फॉर्म में होते हैं लेकिन अगर हम उसके अंदर टेन परसेंट यूरिया को उसके सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो उसकी वजह से बिकॉज अब हमने कंडीशन चेंज कर दी है पहले जस्ट वाटर प्रेजेंट था सॉल्यूशन में और सोडियम क्लोराइड था तो तब उस वक़्त जो क्रिस्टल्स बने थे सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड यानी कि एन जो हमारा कॉमन सॉल्ट है टेबल सॉल्ट जिसे हम लोग कहते हैं अगर ये सिर्फ वाटर के अंदर प्रेजेंट था तो इट विल बी क्यूबिक इन शेप क्यूब फॉर्म में इसके क्रिस्टल्स बनते हैं लेकिन अगर हम इसी सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन के अंदर टन परसेंट यूरिया को ऐड कर दें तो यहाँ पे कंडीशन चेंज होने की वजह से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स भी चेंज होकर नीडल लाइक हो जाएंगे नीडल लाइक मीनस लाइक दिस क्यूब्स यानी कि क्यूब की सूरत में है पहले और बाद में जब आप उनके अंदर टेन परसेंट यूरिया ऐड करें इम्प्योरिटी के तौर पे आप यहाँ पे यूरिया ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी के ऐड हो जाने की वजह से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स की जो शेप है दैट विल चेंज आप एंड इट विल चेंज फ्रॉम नीडल क्यूबिक फॉर्म टू द नीडल फॉर्म तो ये होती है हैबिट ऑफ क्रिस्टल यानी कि जब क्रिस्टल्स को ग्रो करना है आप किस तरह की प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करते हैं दे विल डिफ़ाइन अबाउट द शेप ऑफ़ द क्रिस्टल दे विल डिफ़ाइन द अबाउट द साइज़ ऑफ द क्रिस्टल्स और इस तरह से क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं बाई चेंजिंग देयर कंडीशंस उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज़ अबाउट द आइसोमॉर्फिज़म ऑफ़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अब आइसोमॉर्फिज्म क्या है ये एक ऐसा फिन फिनमिना है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं एक ही तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे जो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ आइसोमॉर्फ कहते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है कि जिसके अंदर मुख्तलिज एक ही क्रिस्टलाइन शेप के अंदर एग्जिस्ट करते दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म अब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो भी बनती है किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअली इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द एटम कि वो एटम क्या है उसका केमिकल नेचर क्या है वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन सब चीज़ों के ऊपर यानी कि केमिकल के नेचर के ऊपर एटम के बिल्कुल भी क्रिस्टलाइन नेचर डिपेंड नहीं करती किसी भी सब्सटेंस की बल्कि वो जो क्रिस्ट सॉरी ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्रिस्टलाइन नेचर है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि जब आप क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं किस तरह से क्रिस्टल की शेप हो गई ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ये चीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगी कि आपके जो क्रिस्टल हैं उसके अंदर जो एटम्स हैं वो उनकी केमिकल नेचर क्या है वो किस तरह से रिएक्टिव हैं किस तरह से नॉन रिएक्टिव हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप डिपेंड नहीं करती बल्कि वो डिपेंड करती है तो इस चीज़ पे कि एक क्रिस्टल को बनाने के लिए कितने एटम्स बन लगेंगे कितने एटम्स दरकार होंगे और किस तरह से उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन है यानी कि किस तरह से एक दूसरे से अटैच होंगे क्या उनके दरमियान में एंगल होंगे कितना उनके आ, कितने फेसेस होंगे ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ना कि उसके अंदर मौजूद एटम के आ, केमिकल नेचर अब होता क्या है कि आइसोमॉर्फिज्म में हमने कहा है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटांसिज एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं दोज आर आइसोमॉर्फ्स तो मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेशो ऑफ एटम है मुख्तलिफ कंपाउंड की जो आइसोमॉर्फिज्म में है वो एक जैसी होती है यानी कि मुख्तलिफ़ सबस्टांसिस हो सकते हैं उनके जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो हो सकता है उन सारे डिफरेंट सब्सटांसिस में जितना नंबर ऑफ एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं uh, क्रिस्टलाइन ने सॉलिड बनाने में तो हो सकता है नंबर ऑफ एटम डिफरेंट सब्सटेंसेस के सेम हो एक दूसरे से तो uh, लेकिन हो नंबर ऑफ एटम्स सेम हो लेकिन तब भी उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी ऐसे सब्सटेंसेस की जो कि आइसोमॉर्फ के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आइसोमॉर्फ सब्सटांसिस जो हैं दे क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस इन होमोजेनियस मिक्सचर अगर आपने होमोजेनियस मिक्सचर बनाया है तो उसके अंदर जितने भी आइसोमॉर्फिक सबस्टांसिस होंगे दे विल क्रिस्टलाइज टुगेदर वो एक जैसे क्रिस्टल बनाते हैं अगर एक होमोजेनियस सॉल्यूशन ले लिया आपने तीन ऐसे सब्सटांसिस का जो आपस में आइसोमॉर्फ हैं यानी कि अगर आप कह लें यू हैव अ ए यू हैव अ सब्सटांस बी एंड यू हैव अ सब्सटांस सी तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं तीनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्ट टीज बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती यहां पे सिर्फ एक चीज जो है जो तीनों की मैच कर रही है वो है नंबर ऑफ एटम्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग कितने एटम्स एक है फॉर एग्जाम्पल अगर 12 एटम्स ए के थे पार्टिसिपेट कर रहे थे इन मेकिंग क्रिस्टल तो 12 एटम्स बी के होंगे 12 एटम्स सी के हैं जस्ट इनके नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे हैं बाकी इनकी तमाम प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम होने की वजह से इनके ये जो है एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीज आर द आइसोमॉर्फ uh, जिनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है हालांकि उनके नंबर ऑफ एटम्स या उनके क्रिस्टल्स जो हैं एक दूसरे के सेम हैं अब आइसोमॉर्फ अगर आप अपने देखें टेबल यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में अंडर दिस टॉपिक आइसोमॉर्फ का टेबल है आइसोमॉर्फ में अगर आप देखें यहाँ पे है सोडियम नाइट्रेट uh, और पोटेशियम नाइट्रो नाइट्रेट ये दोनों सेपरेट सब्सटेंसेस हैं लेकिन एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं यानी कि ये एक जैसी क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म देखें तो दे आर रोम्बो हैड्रल यानी कि इनके क्रिस्टलाइन शेप रोम्बो हैड्रल है शेप हम लोग आगे अपने चल के डिस्कस करेंगे लेकिन रोमबो हैड्रल शेप में है ये और इनके अंदर अंदर अगर आप एटम की रेशों की पार्टिसिपेशन देखें फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट एन ए एन ओ थ्री यानी कि यहाँ पे तीन चीज़ें सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड हमारे पास कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर भी थ्री डिफरेंट थिंग्स हैं पोटेशियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं यानी कि दोनों रोमबोहैड्रोल शेप में एग्जिस्ट करते हैं अब अगर हम लोग देखते हैं इनके नंबर अटोमिक रेशो को तो दोनों के अंदर अटोमिक रेशो सेम है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है दो इसके अंदर सोडियम का एक एटम पोटेशियम का एक एटम सिमिलरली नाइट्रोजन का सिंगल एटम और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का सिंगल एटम ऑक्सीजन के थ्री एटम्स और ऑक्सीजन के थ्री एटम्स आप देख सकते हैं जो रेशो है तीनों में दोनों सूरतों में दोनों सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ एटम्स की वो सेम है तो इसीलिए ये एक दूसरे के जब क्रिस्टल्स बनते हैं एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होते हैं एक जैसे क्रिस्टल बनाते हैं सिमिलरली हमारे पास है पोटेशियम सल्फ़ेट है पोटेशियम आ, क्रोमेट है दोनों और तो रोमबिक हैं दोनों के अंदर एटॉमिक रेशो हो इसी तरह आप जिंक सल्फेट को देखें और निकल सल्फ़ेट को देखें फिर आ, आप कॉपर और गोल्ड को देखें जिंक और कैडमियम को देखें ये सारे जो हैं एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एटम का जिंक का आइसोमॉर्फ कौन सा है कैडमियम का आइसोमॉर्फ कौन सा है पोटेशियम नाइट्रेट का आइसोमॉर्फ कौन सा है उस हिसाब से ये ज़रूरी हैं तो यहाँ तक मेरा था आज का टॉपिक उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई एम हैव टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर